ये HMP के 20 mm मॉडल है सब, ये 4 सीरीज़ में आते हैं। ये HMP 11 मॉडल है, सबसे लाइट वाला इकोलाइट मॉडल। ये रेगुलर वाला HMP 12 मॉडल है, ये हेवी मॉडल HMP 13 है, और ये हेवी मॉडल HMP 14 है। इसमें ट्रैवलिंग है वो 4 इंच आएगा, सेंटर डिस्टेंस है वो 6 इंच आएगा HMP 11 में। HMP 12 में ट्रैवलिंग 5 इंच आएगा और सेंटर डिस्टेंस है वो 7 इंच मिलेगा। वही ये सेम दोनों मॉडल है, इसमें ये सिर्फ स्क्वायर वाला है, ये राउंड वाला है। हेवी मॉडल HMP 13 है और 14 है, इन दोनों में 6 इंच का ट्रैवलिंग है और 8 इंच का सेंटर है। इसमें आप ये स्क्वायर राउंड को एक्सचेंज कर सकते हो, स्क्वायर में आपको राउंड प्लेट चाहिए तो हो जाएगा, ये राउंड मॉडल में आपको स्क्वायर वाला चाहिए तो भी हो जाएगा। ये सब गियर वाले मॉडल ही है, इसमें आप 20 mm का आराम से काम कर सकते हो, और ये दोनों मॉडल है उसमें आप 25 तक का आराम से काम कर सकते हो। इसको 15 और 16 मॉडल भी बोलते हैं हम। ये HMP 11 और 12 है, वो आपको छोटा काम करना है, छोटा वर्कशॉप है तो उसमें ये मॉडल लगते हैं। अगर फैब्रिकेशन का है, बड़ा काम करना है तो उसमें आपको ये दोनों मॉडल प्रीफर करने चाहिए। ये 11 और 12 है वो लाइट वर्क के लिए यूज़ होता है, गियर मैकेनिज्म आता है लेकिन कभी कभार में यूज़ होता है। ये 13-14 या 15-16 ये दोनों हेवी कंटिन्यू यूज में भी हो सकता है। ज़्यादातर फैब्रिकेशन और बड़े वर्कशॉप वाले हैं वो यही मॉडल प्रीफर करते हैं। आपको छोटा काम करना है 13 mm का, 16 का, और फ्यूजर का बड़ा सोच रहे हो तो उसमें 20 mm तक का काम हो जाएगा, तो ये दोनों मॉडल भी बेस्ट है क्योंकि इसमें गियर मैकेनिज्म भी आएगा। तो स्लो स्पीड करके आपको कुछ थ्रेडिंग वगैरह करना है तो ये दोनों मॉडल या ये दोनों मॉडल में भी हो जाएगा। ये HMP 11 मॉडल हो गया राउंड मॉडल, ये HMP 12 भी राउंड मॉडल है, ये HMP 13 स्क्वायर मॉडल है, और ये HMP 14 राउंड मॉडल है। ये सब में ये दोनों मॉडल हेवी आएंगे, ये दोनों लाइट आएंगे, ये इको लाइट है, ये लाइट मॉडल है। HMP 12 में एक में हम इसमें यहाँ पे डिग्री का टेपर मैकेनिज्म दिया हुआ है जिसे आप वर्कपीस है वो टिल्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो। बाकी सब में यहाँ पे हमने सॉलिड मैकेनिज्म दिया हुआ है जिससे आप वर्कपीस अगर बड़े साइज़ का या हेवी है तो भी यहाँ से ब्रेकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा,